से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। स्वयं इस गवाही को हम लोग सुनेंगे। पूनम, इनके पहले तीन बेटियां हैं और प्रभु यीशु मसीह जी ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जी, 10 साल के बाद लड़के की आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी कलीसिया बहन को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे बेटे से ब्लेस किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी ने मुझे 7 जनवरी को भविष्यवाणी की थी मेरे लिए कि आपको प्रभु जी बेटा देने जा रहा है और प्रभु ने मुझे बेटा दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरे सुन ली पुकार को, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 7 जनवरी को, हाँ जी, इसी साल, हाँ जी, 7 जनवरी को परमेश्वर आपको बेटा देने जा रहे हैं। हाँ जी, आपने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, ढोल बजा के आना। अच्छा, ढोल बजा के आना, ठीक है। तो आप लोग स्टाफ लोग उस क्लिप को बाहर निकालिएगा। 7 जनवरी को कहा था कि परमेश्वर आपको बेटा दे रहे हैं और आप ढोल बजा कर आना, और 10 साल के बाद बेटा हुआ। हाँ जी सर। ओके, इतना बड़ा गैप। हाँ जी, और मेरे 3 लड़की हुई है, पहले तो ये बड़ी वाली 10 साल की है। ओके। हाँ जी, और उसके बाद फिर मेरी लड़की हुई वो ये 6 साल की है, फिर लड़की हुई 2 साल की है। सारे बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुआ है और तीसरा ऑपरेशन हो गया, ये चौथा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि इस बार सभी कहते थे कि इस बार मतलब नहीं बच पाएगी ये, कि अब तीसरा ही चांस होता है। चौथा ऑपरेशन था ये। हाँ जी, तीसरा ही चांस होता है ऑपरेशन का, चौथा मत करो बच्चा। फिर हमने कहा नहीं, हमें प्रभु ने बेटा देंगे, हम विश्वास करते हैं, प्रभु जी ने मुझे बेटा दिया, हमें विश्वास किया। मैं लुधियाना रहती थी, यहाँ नहीं रहती थी, मैं लुधियाना भी जाती थी चर्च में। जब यहाँ पे गंगानगर में आए, मेरी ये 3 साल हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ का पता नहीं था चर्च के बारे में। मैं सबको पूछती थी कि मैं कहाँ पे है चर्च, तो जो नहीं जाते थे उनको क्या पता। फिर यहाँ हमारे गली में ही आंटी रहती, परमजीत आंटी, वो चर्च आते थे, तो उन्होंने कहा कि आप चर्च जाते हो। मैंने कहा हाँ जी। तो इन्होंने कहा मुझे पता है मैं चर्च जाती हूँ, कि आप चमत्कारी चर्च में चलो, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, और मुझे मिला। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती कि जो मैंने चाहिए था वो सब कुछ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर को। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब लोग धन्यवाद करें परमेश्वर का, और जिन्हें संतान नहीं है परमेश्वर उन्हें संतान से ब्लेस करे। हम लोग बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं करते, बेटियां हमारे लिए भी वैसी ही आशीषित हैं जैसे बेटे हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें ये चाहते थे कि 3 बेटियां हैं पहले, और प्रभु यीशु मसीह जी ने बेटे से ब्लेस करें, और इनके लिए भविष्यवाणी हुई थी 7 जनवरी को, और परमेश्वर ने इन्हें अब बेटे से ब्लेस किया। और ये कहा गया था कि जब आप आना ढोल बजाकर आना, तो आज ये ढोल बजाते हुए आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।